हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं आई हूँ टेरेस गार्डन में, जो कि आपका पड़ता है सेक्टर 33 में। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये है आपकी एंट्रेंस गेट, जहाँ पर आपको यहाँ पे बाहर पे बोर्ड पर आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स की पिक्चर्स लगाई गई हैं, जो कि आपको अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे बड़ा टेरेस गार्डन करके लिखा हुआ है और यहाँ पे दो बोर्ड लगे हुए हैं। एक तो आपका मार्टिन पिलर है, जो कि आपको वो भी अंदर देखने को मिलेगा, और साथ में काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं। शाम का समय हो चुका था और सनसेट ढलने वाला था, तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे गार्डन का। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गार्डन की। तो यहाँ पर आपको कई वैरायटियाँ मिल जाएंगी फ्लावर्स की देखने को, और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं ये खिले हुए एकदम, तो इनको देख के तो एकदम माइंड एकदम फ्रेश ही हो जाता है ऑलरेडी। और यहाँ पर आपको एकदम शांत एरिया मिलेगा, और आप चाहे तो यहाँ पे इवनिंग वॉक करने भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको फाउंटेन म्यूजिक भी दिखेगा, और ये भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है देखने में। आप चाहे यहाँ पे फोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे बच्चों के खेलने के झूले भी मिलेंगे, और आपको मार्टिन पिलर भी मिलेगा, जिसमें शहीद हुए जवानों के नाम भी उसमें मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए फिर आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइस, गार्डन में ही आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं।
सो गाइज यहाँ पर आपको बच्चों के खेलने के लिए थोड़े बहुत झूले आपको मिल जाएंगे एक्टिविटीज करने के लिए। गिर जाएगा माँ, सो गाइज ये है आपका मार्टिन पिलर जो कि शहीदों के नाम पे बनाया गया है। जिस टाइम पे वॉर हुआ था भारत और पाक के बीच में, तो उस टाइम पे जो शहीद हुए थे जवान, उनके यहाँ पे नाम भी मेंशन किए गए हैं, तो उनके उसमें ये बनाया गया है। सो गाइज इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।